ये कहानी किसी दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों, उसके जीवन के संघर्ष से संबंधित है। जी हाँ, आपका स्वागत है 24/7 न्यूज में। और प्रयागराज विकास खंड शंकरगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा ओसा में जियालाल आदिवासी दोनों पैरों से विकलांग है। उन्होंने बताया कि आज तक हमको कोई भी सरकारी लाभ निश्चित रूप से नहीं मिला है, जो कि बारिश में हमारा घर भी गिर गया है। प्रधान को भी इस बात से अवगत कराया, लेकिन प्रधान यहाँ पर हालातों को देखने तक नहीं आए। और कुछ दिन पहले प्रधान हमसे 200 रुपये आवास के नाम पर ले गए थे, लेकिन आज तक ना तो हमको शौचालय दिया गया और ना ही आवास। हम विकलांग व्यक्ति जाएं तो जाएं कहाँ? हम एक छोटे से घर में किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के काफी जगहों की कहानियां हैं, केवल एक विकलांग शंकरगढ़ के व्यक्ति की नहीं। की समस्या क्या है? दोनों पैर विकलांग है सर, हमें आवास नहीं मिली। प्रधान कई व्यक्ति कहा था, तब भी नहीं दिया। फार्म भर के पैसा भी दिए थे 200। पैसा कितना दिए हैं? 200 रुपये दिए सर, तब आज तक नहीं दिए थे आवास योजना। कई बार कहा प्रधान से, तब भी नहीं दिए थे। लिस्ट में नाम भी देखा, लिस्ट में नाम भी नहीं। आपका घर गिरने के कगार पर? हाँ, गिरने कगार पर है सर। गिर भी गया है? गिर भी गया है, देखता नहीं सर। ये बरेड़ी गिरती है पर बच गई है, बाबू पर गिर गया। तो उस प्रधान से आपने अवगत कराया? हाँ कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान नहीं, 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 नहीं। कौन प्रधान है यहाँ के? आदिवासी गणेश सिंह। किस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है? ओसा जियालाल आदिवासी हमारा नाम है। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक शंकरगढ़।